नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ और भाई साहब जो है आज का वीडियो मैं घर पे ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है मैं कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि जैसी का तबीयत ख़राब चल रहा है। आपको पिछले वीडियो में अपडेट मिल ही गया होगा, तो आपने अगर देखा होगा तो आपको पता ही होगा जस्सी का तबीयत ख़राब था। और अभी फ़िलहाल जस्सी का जो है ट्रीटमेंट मैं बहुत ही कायदे से घर पे ही कर रहा हूँ, तो फ़िलहाल अभी मुझे फ़ायदा लग रहा है। जस्सी एकदम ठीक हो गई, उसका पलटी जो है वो भी ठीक हो गया है और टट्टी जो था वो भी ठीक हो गया है। तो अभी जो है हम घर पे ही आप लोगों को कुछ सीन दिखाएंगे, दो चार, मतलब जितने भी सीन हैं और काफ़ी गजब गजब का। अभी जो है भाई साहब मैं अपने घर के एकदम जस्ट बगल में हूँ। ये बड़ा सा एक बाउंड्री है, इधर गाय वाय रहती हैं, इधर नल लगा है और ये पूरा फील्ड जैसा है। तो यहाँ पे कुछ सीन है, इधर खबहा लगा था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ अंटा जैसा बना है तो इस पे रखा था, अभी तोड़ लिया गया है फिलहाल। फूल पौधे लगे हैं, बढ़िया से सीढ़ी उड़ी रखी है, उधर जरा कुछ लगा है, नादा रखा है गाय का जूठा उठा रखने के लिए। खाते हैं ना, वो जूठा निकलता है इसमें डाल देते हैं, गाय को फिर खिला देते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो ये तो पहला सीन हो गया यहाँ का हमारे। ये देखिए बढ़िया सा लग रहा है। चलिए भाई साहब, अभी जो है सीन का महा एपिसोड चालू हो चुका है। आप लोगों को हम गांव से संबंधित बढ़िया बढ़िया सीन दिखाएंगे इस वीडियो में। और भाई साहब क्या करें, आपको मैनेज करना पड़ेगा इसी सीन को देख के, क्योंकि जा तो पाएंगे नहीं कहीं। तो जब चलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम में, तब आप लोगों को बढ़िया सीन दिखाएंगे। बाकी तो चलिए अब दूसरा सीन देखने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा जो सीन है, तो ये सीन है, अभी देखो ये है गेहूं। और गेहूं देखो अभी जो हमारे यहाँ है लगा, तो अभी जो है फिलहाल पक रहा है। इसमें आपको दो प्रकार के गेहूं दिख जाएंगे, पहला तो ज़्यादा पका और दूसरा यहीं पे आप बगल में देखोगे तो कम पका दिखेगा। और इधर भी आप लोग देखोगे नज़र उठा के तो इसमें भी दो प्रकार के मिल जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे तो बिल्कुल हरा हरा गेहूँ लगा है पूरा, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन का काम हुआ था ना, तो इतना जो पटरी है ये बाद में बुवाई की गई थी, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया था पहला वाला गेहूँ। दोबारा जब गेहूँ का बुवाई हुआ था वो है ये। बाकी इधर भी पक रहा है ये गेहूँ, और ये गेहूँ साथ का है। यहीं पे आप देखोगे तो कुछ गेहूँ जो है गिर गया है, क्योंकि बरसात हुई थी एक दो दिन पहले। में भी यही सेम सीन देखोगे, क्योंकि बरसात में इधर भी थोड़ा बहुत गिरा था ये और ये। तो गेहूं से भाई साहब क्या है कि गेहूं का जो खेत है इसमें जो है गेहूं का बड़े बड़े डांट लगे हैं। डांट कहते हैं गांव में हम लोग, जब डांट कट जाते हैं इसे काट के थ्रेसर में दवाई किया जाता है। दवाई करने के बाद में गेहूँ मिलता है, और उसी गेहूँ का हम लोग आटा बनवाते हैं चक्की पे ले जाके, तो रोटी खाने के लिए गेहूँ का रोटी हमें मिलता है, रख लेते हैं साल भर चलता है। उसके बाद में अभी जो है गेहूँ कटने के बाद में दूसरा सीज़न आएगा धान का, बरसात में धान का सीज़न होता है। तो अब जो है तीसरा सीन देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। महा एपिसोड जो है तीसरा सीन के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। अभी आप लोगों को तीसरा सीन दिखाते हैं, ज़रूरी सीन है, बढ़िया है, मस्त। तो अभी जो है तीसरा सीन आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए मस्त सीन है। इसमें है सरसों, आप देख सकते हो कि सरसों किस तरह से खेत में कट कर रखा हुआ है, और खेत में रखा हुआ ज़मीन पे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी जो कटाई है ये बहुत ही मस्त तरीके से हुई है। अभी देखो इसमें जो इसका डंठल है आधा लगा है नीचे, आधे से काट लिया गया है, और आधा जो नीचे का हिस्सा है इसी पे सरसों को लौटा दिया गया है। और देखो किस तरह से फैला दिया गया है, सूख रहा है बढ़िया मस्त से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरसों जब सूख जाएगा और सूखने के बाद में इसकी दवाई होगी थ्रेसर द्वारा, तब इसमें से सरसों निकलेगा। काफ़ी मस्त लग रहा है, ये देखिए पूरा खेत है ये सब। तो सरसों भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तेल के लिए हमें सरसों चाहिए, और सरसों दवाई वाई करके बढ़िया से सरसों का दाना निकलेगा उसे रख देंगे और तेल खाएंगे। तेल जो है घर का जो तेल होता है सरसों वाला वो बहुत ही शुद्ध होता है, कोई केमिकल नहीं होती उसमें। तो सरसों निकलेगा और इसे लेकर जाएंगे कोल्हू पे, बढ़िया से चक्की जो लगी होती है तेल फेरने वाली मशीन, उस पर बढ़िया से तेल की कढ़ाई होगी,
तेल मिलेगा, बढ़िया से हम लोग खाना खाएंगे। तो ये फायदे हैं, गेहूँ के फायदे और तेल के फायदे दोनों हमने आप लोगों को दिखा दिया। अभी तक हमने आपको तीन सीन दिखाए हैं। एक तो गेहूँ दिखाया जो काफ़ी जो खेतों में लहरा रहा है, पक रहा है, और दूसरा सरसों जो कटा पड़ा है। तीसरा सीन घर के अंदर का दिखाया था आप लोगों को, वो भी बढ़िया मस्त था। तो अब हम आप लोगों को एक सीन और दिखाते हैं। ये देखिए सीन जो है कोई फूल जैसा सीन है, और इसे जो है बताऊंगा नहीं कि क्या चीज़ है। और देखो कितना बढ़िया से मस्त लगा है, ये देख वाओ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इस सीन को आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा सीन है, गांव का एक बढ़िया सा सीन है। तो ये भी इसी एपिसोड में है। तो उसके बाद में अब हम आप लोगों को पांचवा सीन भी दिखाते हैं, और ये सीन है अभी देखो, इसमें वाइट कलर का कुछ फूल है। फूल तो बिल्कुल एकदम सरसों जैसा लग रहा है, तितलियाँ भी इस पर बैठी हैं मस्त से। आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा चीज़ का पौधा है और बढ़िया से इसमें फूल निकला हुआ है। बस दो चीज़ आप लोगों को कमेंट करके बताना है, जो कि चौथे नंबर पे दिखाया और ये जो सीन है पांचवें नंबर पे दिखाया। तो दोनों को कमेंट करके बताना है। बाकी सीन हम जो भी अभी दिखाएंगे उसके बारे में हम बता देंगे आप लोगों को। ये वाइट वाला जो सीन दिखाया था आप लोग को, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, मतलब इसमें भी दिखेगा, इधर तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, इधर सिर्फ आप लोग को लहसुन दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा सीन केवल। तो ये सब लहसुन है, आप देख लो, बिल्कुल टाइम ही आ रहा है अब कब इसकी खुदाई हो जाए। इधर 10-15 दिन में लगभग कब कब होती है। और साग वाग का तो पूरा कहानी ख़त्म, अभी अब साग बिल्कुल नहीं बचा है, सीजन गया। और धनिया बस थोड़ा बहुत बचा है इसमें, ये देखिए, बाकी तो सब लगभग फिनिश। बरसीन तो बिल्कुल बचा ही बचा है, पूरा बरसीन अभी लगा है, देखो बिल्कुल एकदम से मस्त हरा भरा। ये भी गांव का एक सीन ही है जो कि छठे नंबर पे आता है। तो ये है बरसीन, और ये बरसीन जो है पशुओं के लिए बहुत लाभकारी है। देखो पशुओं को खिलाने के लिए इतना बरसीन लगता है हमारे यहाँ हर साल, देखो क्या हरे भरे मस्त। इधर कुछ सरसों लगे थे और ये सरसों जो है कट गया है, और इसमें थोड़ा सा सरसों निकल भी आया है, तो बस रख गया है घर पे। इधर तो गन्ने लगे थे, इधर गन्ने लगे थे, बाकी उधर तो पूरा प्लांट गन्ने का लगा था। गन्ना तो पूरा फिलहाल कट गया, अभी चलते हैं आप लोगों को नया गन्ना जो बोया था उसको थोड़ा सा दिखाएंगे, उसके बाद में वीडियो को एंड कर देंगे। सब आ गए ताल में और तालाब में बढ़िया से देखो तैर भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। तो अभी तक हमने आप लोगों को 6 सीन कंप्लीट कर दिया है, अब सातवां सीन आप लोगों को दिखाते हैं। सातवां सीन यही है, ये है छोटा सा तालाब जो घर के बाहर बना है साइड में, और इसमें बतख खास करके रहते हैं। बतखों के लिए हमें लगता है खास करके इसे बनवाया है हम लोगों ने। और ये देखिए इसमें जो है बतख हैं, एक उधर है, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 6 बतख हैं इसमें। बीच में कुछ संख्या कम हो गई थी, बिल्ली वगैरह जो आई थी कुछ एक दो पकड़ लिया था, बाद में एक दो और बढ़ गए थे लाए थे। तो बस यही 5-6 बतख मौज कर रहे हैं इस तालाब में। बाकी यहाँ पे लकड़ियाँ भी मस्त से लगाई गई है, इस पर बैठते हैं, टाइम काटते हैं, चुनते हैं, फिर उधर डणवार पे बैठते हैं जो बंधा है ना उस पर, इस पर बस यही सब सारा दिन का काम है, रात में घर में सो जाते हैं। अब हम आप लोगों को आठवां सीन दिखाते हैं। आठवां सीन भी किसी से कम नहीं है, सारे सीन हम आप लोगों को दिखा दिए, करीब 7 सीन कवर कर दिए हैं। अब जो है आठवां सीन आप लोगों को दिखाते हैं। आठवां सीन है अभी मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये देखिए गन्ने की खेती, और गन्ने की खेती सबसे महंगी खेती है, तो मैंने सोचा इसको भी इसमें ऐड करते हैं। खो ये सब पूरा गन्ना लगा था, और ये पेड़ी गन्ना था, अभी जो है कटा, और इस बार पेड़ी छोड़ दिया गया है, मतलब बवास कटा था, पेड़ी को छोड़ दिया गया है इधर उधर। और ये पूरा प्लांट जो दिख रहा है ये सब
पूरा प्लाट ये सब पेड़ ही छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये पूरा अगले साल के लिए मस्त तैयार होगा। और इसमें जो है सिर्फ मात्र बीच में इतनी बुवाई की गई है, देखो ये जो जोता खेत दिख रहा है साफ सुथरा मस्त। इसमें देखो गन्ने किस तरह से जमना शुरू हुआ है, ये देखो छोटे छोटे गल्ले, ये देखो छोटे छोटे कल्ले, ये देखो छोटे छोटे लाइन से कल्ले निकले, ये देखो कल्ले, ये देखो कल्ले। तो ये है गन्ने का खेत और सबसे महंगा खेत है, और हम लोगों का व्यवसाय भी है कृषि, कृषि तो और गन्ने की खेती कृषि में आता है। तो कृषि में गन्ने की खेती आता है, हम लोग गन्ने की खेती करते हैं धान गेहूँ खाने के लिए और रुपया मनी कमाने के लिए गन्ने की खेती, बीच में पेड़ पौधा भी लगा है। तो यही है भाई साहब आठवां सीन, आठवां अजूबा कह सकते हो। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो, मतलब वीडियो में कुछ बनाने को था ही नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ घर पे रहते हैं अभी आजकल 4-5 दिनों से, और जस्सी का इलाज टाइम से सुबह शाम, तो भाई ग्लूकोज लगता है उसको, तो सुबह शाम तो बोतल चढ़ाने में निकल जाता है। दोपहर में थोड़ा टाइम मिलता है, तो आज मैंने सोचा कि अभी दोपहर का समय है और एक वीडियो छोटा मोटा आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, क्योंकि आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, सोच रहे हो कि भाई साहब वीडियो क्यों नहीं बना रहे। भाई मेरी परेशानी है अभी जो है, थोड़ा मुझे चांस दे दीजिएगा, मौका दे दीजिएगा कि बाद में पछताना ना पड़े। जस्सी के लिए मुझे टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकालना, तो वही टाइम मैं निकाल रहा हूँ, और जस्सी का इलाज बहुत ही कायदे से अपने तरीके से कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उनके तरीके से कर रहा हूँ। वो अभी फ़िलहाल घर पे हूँ और निकलेंगे, तो सोचा है कि निकलेंगे, माइंड में अंदर ही अंदर एक प्रोग्रेस कि कौन सा वीडियो बनाएं, कौन सा वीडियो बनाएं, कहाँ चलें, और तो भाई चलते हैं कहीं पे और बनाते हैं वीडियो। तो अब देखते हैं, अगर कल जस्सी को थोड़ा बहुत छोड़ने लायक होगा तो छोड़ के कल चलेंगे वीडियो बनाने, अगर नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। वैसे जस्सी तो फ़िलहाल उसकी जो पलटी थी वो भी ठीक है, और 10-25 जो था वो भी ठीक है, अब उतना दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो लग रहा है कि उसे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है और अब वो ठीक होगी जल्दी से। तो ठीक हो जाए भाई साहब, आप लोग थोड़ा बहुत दुआ कीजिएगा। बस इतना ही था इस वीडियो में, इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यही है भाई साहब गन्ने की खेती हम लोगों की।